हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में देखा था कि मैं नेहा के गुरुकुल में आ गई हूँ और वहाँ पे हो रहा है दीक्षांत। तो दीक्षांत हो गया है और अभी शाम का कार्यक्रम होने वाला है। तो शाम के कार्यक्रम में हम ठहरने वाले नहीं हैं क्योंकि मेरे साथ है बाबू और गर्मी यहाँ पर बहुत तेज़ लग रही है। ठंड होने के बावजूद भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पर यहाँ से। और नेहा का आज शाम को ही ट्रेन है, तो नेहा ट्रेन से निकल जाएगी अपने मंजिल की ओर और हम लोग अभी जा रहे हैं घर के लिए। तो गाइज, इस व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। जाने से पहले मैं यहाँ का जो भी कैंपस का है, यहाँ के मंदिर हैं, वो सारा चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि ये ब्लॉग भी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ना हम लोग ठहरे हुए थे 2 घंटा के लिए छात्रावास में यहाँ पर। पहले नेहा लोग इसी में रहती थी। यहाँ पर कितने साल रही हो नेहा? 8-9 साल, यानी कि 9 साल की थी तभी से यहीं पे रह रही है। और बाबू बंदर को देख करके चिल्ला रहा है। और ना ये जो दिख रहा है ना, ये गुरुकुल का मंदिर है और यहाँ पे ना छात्रावास है, पूरा लंबा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, नीचे से दिखाएंगे आप लोगों को मंदिर। बच्चे कितना प्यारा लग रहा है ना कैंपस पूरा। चलिए चलो सौरभ, चलो तो जी हम लोग छात्रावास से आ गए हैं। मंदिर के सामने, मंदिर के बगल में ही छात्रावास है जहाँ पर लड़की लोग रहती हैं या मतलब जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके रहने का व्यवस्था है। तो उन्हीं के जस्ट बगल में है ये पाणि मंदिर जो बना हुआ है। तो महर्षि पाणि के नाम से मंदिर बना हुआ है, जिन्होंने अष्टाध्याय लिखा था तो उन्हीं के मतलब नाम पे मंदिर बना हुआ है। इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं है जी। इसके बारे में ना नेहा बताएगी यहाँ की खासियत क्या है, इस मंदिर में खास क्या है। जो भी हो सारा चीज़ मैं आज नेहा के मुंह से सुनने वाली हूँ क्योंकि नेहा यहाँ पर रह करके ना 9-10 साल पढ़ी हुई है। 9 वर्ष की थी तभी से यहाँ पर पढ़ रही है। तो नेहा आज बताएगी इस मंदिर की खासियत क्या है। तो बताइए नेहा जी। सभी को नमस्ते जी। ये पाणि मंदिर है, ये ऐसा मंदिर है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। बहुत भव्य संगमरमर से बनी पूरी मंदिर है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है कि जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। केवल इसमें जो महर्षि पाणि द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है वो इन संगमरमर के पत्थरों पर अंकित किए गए हैं। आगे आप तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर। मंदिर का जो भी परिसर है मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और गाइज, यहाँ ना नेहा मेरी 9 साल की थी तभी से पढ़ रही है। आप लोग 2-3 बार इस चीज़ को सुन लिए हैं क्योंकि आप लोग को मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा कुछ मायने रखता है यहाँ पर तो वो है लड़कियों की एज, क्योंकि 10 से 11 साल के अंदर ही यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है लड़कियों का। जैसे मेरा जब एडमिशन करवाना हुआ था ना, तो उस समय मैं 13-14 साल की हो गई थी तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो यदि कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को यहाँ पे डालना चाहते हैं तो उनको ना इस एज का ध्यान देना पड़ेगा, तभी जा कर के एडमिशन हो पाता है। नहीं तो एज की वजह से भी एडमिशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। जब मुझे पढ़ना था तो उस समय जब मेरा एज था 9 से 10 साल, तो उस समय मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि हाँ यहाँ पे ऐसा गुरुकुल है, यहाँ पे ऐसा परिसर है, जो भी है कि आप यहाँ पे आपकी बेटी के लिए सुविधा है। हम लोग इस सारे चीज़ों से ना अनजान थे उस समय, कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब नेहा का एडमिशन हुआ तो ऐसा लगा कि यार मतलब 4 साल पहले पता चला होता तो हमारा भी एडमिशन हो गया होता, मैं भी यहाँ से पढ़ाई कर ली होती। क्योंकि ना यहाँ पे पढ़ने के बाद मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया भी था कि वो निश्चित हो जाता है। इन लोगों को इतना ज्ञान भर दिया जाता है ना कि ऐसा लगता है कि हाँ ये लड़कियाँ कहीं पे भी जाएंगी ना, इंडिया के किसी भी कोने पे, तो कुछ ना कुछ तो पक्का करेंगे। हम लोग जैसा भरमेंगी नहीं, जैसे हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि क्या करें नहीं करें, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी एरिया में सही से जा भी नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे पैसे के अभाव में आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कुछ पढ़ करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ। तो ये मंदिर के आगे के चारों तरफ का परिसर, यहाँ पे लड़कियों को ना शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है।
और ये यहाँ पर केवल लड़कियों का ही एडमिशन होता है, और वो एडमिशन होता है जून और जुलाई के बीच में, जो कि अभी मंथ चलने वाला है ना, इसी महीने में होता है यहाँ पे। यहाँ पे ना सामने जो पंडाल टेंट वगैरह दिख रहे हैं ना, यहाँ पे शाम को प्रोग्राम होने वाला है, नहीं सॉरी कल शाम को प्रोग्राम होने वाला है। आज शाम को तो वहीं पर रुद्राक्ष में ही हो रहा है प्रोग्राम, तो वहाँ पे तो मैं नहीं गई क्योंकि आप लोग को पता है गर्मी बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। और आज दोनों लोग निकल जाएंगे, यानी नेहा का टिकट भी हो गया है और हम भी चले जाएंगे घर पे, साथ में बाबू है तो रुकना सही नहीं होगा, तो इसलिए हम चले जाएंगे घर पे और नेहा भी चली जाएगी। तो मैं तो ज़्यादा चीज़ मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन ये मैं आप लोग को दवाई के साथ बता रही हूँ कि ये शाम वाला प्रोग्राम यदि मैं आप लोग के साथ शेयर करती ना, तो आप लोग चाहते कि हाँ जल्दी से जल्दी मैं अपनी लड़कियों को यहाँ पर डालूँ। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ की लड़कियाँ देश की किसी भी कोने पर जाए ना, वो आपको सुरक्षित ही पाई जाएंगी। उन लोगों को सारा चीज़ सिखाया जाता है, जैसे ताइक्वांडो हो गया, जुड़े कराटा वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़। ना मंदिर घूम के और बैठ गए सीढ़ी पे, और सीढ़ी पे बाबू पी रहा है क्या, पन्ना, आम का पन्ना पी रहा है बाबू। तो हम लोग मंदिर से नीचे उतर गए हैं और अभी हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए। तो ये देखिए बगल में ये जो भी दीवार लगा हुआ है ना, ये सारा पेंटिंग बनाया हुआ है और इन बच्चियों ने ही बनाया है। इन लोगों की कला के बारे में जितना कहा जाए ना उतना कम है, और जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। ऐसा लगता है ना कि यहाँ की लड़कियों में केवल गुण ही गुण भरा हुआ है, सारा चीज इन लोगों का आता है, ऐसा कुछ नहीं है जो इन्हें नहीं आता है। वाद्य यंत्र हो या शस्त्र हो या शास्त्र हो, कोई भी चीज़ हो, इन लोगों को सारा चीज़ आता है। तो आप लोग देख सकते हैं सारा चीज़ का ये लोग पेंटिंग खुद से की हैं, और कितना अच्छा अच्छा पेंटिंग भी बनाई है, राय भी की हैं। तो इन लोगों को ना ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा माहौल में रखा जाता है जिससे ना लड़कियां इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाती हैं। और ये है यज्ञशाला जहाँ पर डे हवन होता है। हम लोग ना इसके महाविद्यालय से आज विदा ले रहे हैं अभी, और तब निकल रहे हैं घर के लिए। और नेहा यहीं से ट्रेन पकड़ के जाएगी मड़ुआडी से ही दिल्ली के लिए, ये नहीं जा रही है मेरे साथ। तो गाइस अभी हम लोग का निकलने का समय आ गया है, नेहा अब यहाँ से जाएगी ट्रेन से दिल्ली के लिए। अच्छा समय लगा के पढ़ाई कर लेंगे, यहाँ से कैंट की चलेंगे, फिर वहाँ से ऑटो लेकर के जाएंगे घर पे। अगर ये बच्चा कुल्फी नहीं खिलाएंगी ना तो मुझे कॉल करना, ठीक है, पक्का ना, बाय। तो गाइज हम पहुंच गए हैं घर पे नेहा के गुरुकुल से आ करके, और एकदम थकान हो गया ऑटो से चलते चलते। और वहाँ से हम निकले थे 6 बजे, यहाँ पे पहुँचे 8 बजे, 2 घंटा, ऊपर से बनारस का ट्रैफिक इतना लेट हुआ कि अभी पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं अभी जल्दी जल्दी कपड़ा चेंज कर रहे हैं। ऊपर से इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, इतनी गर्मी है ना कि कुछ कहने लायक नहीं। गर्मी की वजह से मुझे लेकर के आना पड़ा बाबू को, और वैसे भी आज नेहा का टिकट था, जरूरी था क्योंकि उसका एग्जाम है एंट्रेंस का, तो उसको भी करना है, तो चारों तरफ देखना था उसको। दौड़ते दौड़ते एक तो तत्काल आई वो दिल्ली से यहाँ, फिर आज रातों रात निकल जाएगी वहाँ के लिए, तो इसलिए हम भी नहीं रुके शाम वाले प्रोग्राम में और आ गए, क्योंकि साथ में था बाबू और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। जा रही हूँ जल्दी जल्दी कपड़ा चेंज करने, और फटाफट कपड़ा चेंज करके बाबू को खाना खिलाऊंगी और सुला दूंगी, क्योंकि आज दिन भर वो खेला है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।